अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? गुड मॉर्निंग। और जनाब, यहाँ पे है आज फ्राइडे का दिन, और फ्राइडे के दिन जो है यहाँ पे होती है छुट्टी। सो अभी 10:30 बजे और मेरे लिए नाश्ता बनकर आया है। मेरे मियाँ साहब जो हैं उन्होंने मुझे उठाया है कोई 10:30 बजे, और ये नाश्ता ज़बरदस्त सा ऑमलेट आया है। तो बस अभी ये खाते हैं और देखते हैं। और आज जो मैं आप लोगों को एक अटैच कर रही हूँ वीडियो यहाँ पर आगे, वो है जनाब वहाँ पर बच्चे पाकिस्तान में कैसे लाइफ गुजार रहे हैं और उन दोनों का क्या रूटीन है, रुशान का और नैजा का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ जाओगे सब खैरियत से होंगे। यहाँ अम्मी की नकल उतार रहे हैं कि अम्मी ऐसे व्लॉग बना रही हैं, हम बहुत ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकते। असल में आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि हम अम्मी के बगैर कैसे रहते हैं पूरा दिन, और हम लोग क्या क्या करते हैं। और जल्दी चलते हैं क्योंकि चाय हो गई है, वो बोल जाएगी। और ये गैस बहुत सही आ रही है, जिंदगी में पहली बार। अब मुझे कोई सही नहीं, मुझे ये गरम तवा पे अपनी डबल रोटी सेकनी है, तो मैं अगर चूल्हा जलाया मैंने इसका तो इसका कम हो जाएगा, फिर चाय नहीं हो सकती। ओह वाओ, तो इस जब ये हो जाए चाय तो फिर आप तब कर लो। टेक्निक करते हैं कि हम इसको ढांक देते हैं जिससे चाय जल्दी हो जाए। ओह नाइस, ओह वाओ। और आप ये देख सकते हैं कि लाइटें खराब है किचन की, और हम बहुत गंदे गंदे आएंगे फिर यहाँ पर। मैं तो प्यार ही आऊंगी फिर। रोशन कैमरे की पीछे से मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहा है, ये बोल क्या रही है? लोग हार्ट अटैक हो जाएगा सुबह सुबह, पता नहीं क्या देख लिया। ये कौन है, कौन खाएगा भाई? मैं, ये भाई, ये शान खाएगा, ये भाई खाएंगे। और मैं एक और चीज भी खाऊंगा, मैं इनको दिखा के ले जाता हूं। लेट्स गो। देख अम्मी के बगैर हमने घर इतना साफ रखा है। अब मेरा एक और बस का मन का बड़ा जो मैं खा रहा हूं भी कुछ नहीं हो, ये ऐसे रखा है। और यहाँ पे साथ साथ टीवी भी देख रहा हूँ। यस, नहीं आप ही देखो कितना गंदा बिस्तर करके रखा है। साफ साफ करो। तुम लोगों को नाश्ता पहले दूं कि मैं ये काम करूं? मैंने भी तो काम कर लिया ना, मैंने अपना पूरा बिस्तर समेट दिया है, बट डबल रोटी भी ले आया। तो आप हो ना, मैं अलग हूँ, मैं डिफरेंट, यूनिक, यू नो। अब हर कोई तुम्हारे जैसा हो जाएगा तो फिर मेरे जैसा कौन रहेगा? चाय में बाल गिर जाएंगे। तो इतने बाल टूटते क्यों हैं? तुम ऐसे करके मेरे बाल घुसा रहे हो उसमें, ठीक है ना? मेरे बाल टूटते हुए नजापी। फरमाओ, आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये तुम वहां से सीख कर आए हो? नहीं, पता नहीं क्या हुआ था मेरे साथ, कुछ कॉलेज में कुछ हुआ था अपनी स्टोरी सुनाएंगे सब। तो मैं बंद कर दिया कैमरा क्या? नहीं नहीं, दिखाओ मुझे, दिखाओ। ऐसे नहीं दिखाओ, ऐसे चल दिखाओ। रहा है, हाँ ठीक है, चल रहा है। ये बता नहीं करता मेरे साथ, मुझे भरोसा नहीं है इस पर। पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है लो। अरे दिख रहा होएगा ना, अब तुम ऐसे आगे नहीं दिखेगा, वो गंदा किचन नजर आ रहा होगा हमारा। बहुत साफ सुथरा किचन है यार। यार वो बर्तन धो लेना है, मैं अभी रख रही हूँ, ठीक है? मैं कल रात में आई हूँ, हाँ सब तो पता ही नहीं आपको। हाय गाइस, हम लोग जो है यहाँ पे जो है वो बिन हाशिम आए हैं शॉपिंग करने के लिए। जैसे मैंने ओके गाइस, तो हम लोग जो है वो शॉपिंग करके अब घर जा रहे हैं। मुझे नहीं पता आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। और बाय बाय, फिर हम घर जाके मिलेंगे आपसे। हाय, सो ये हम लोग घर अब आ चुके हैं, और ये सामान सारा हमारा यहाँ पर है पड़ा हुआ। एंड अब हम शाम हो रही है क्योंकि, तो हम बनाएंगे चाय। एंड फिर रोशान की क्योंकि तबीयत ख़राब है तो हम इसको लेके जाएंगे डॉक्टर के पास भी। एंड फिर आपसे मिलते हैं, देखते हैं कि इसको क्या हुआ है। पता नहीं क्यों बुखार हो रहा है, क्योंकि कोई रीज़न नहीं है, कोई नज़ला वज़ला या कोई गला ख़राब नहीं है, बट ठीक है, डॉक्टर देख के बताएंगे क्या मसला है। तो फिर हम आपसे बाद में मिलते हैं। ओके okay, अच्छा जी, अब आपने देख लिया वहाँ पर पाकिस्तान में बच्चों का रूटीन। और अभी यहाँ पर बजा है 12:30, और मुझे लग रही थी भूख और सर्दी भी यहाँ पर काफ़ी हो गई है। सो मुझे जो है वो कॉफ़ी पीने का बहुत दिल कर रहा था, खाना हम लोग ने जल्दी खा लिया था। 11 होगा, 9 होगा,
15 हो रहा है, बस बातें करा लो। गाड़ी के अंदर का 15 है ना, देखा जब भी तो सर्दी लग रही है, ऐसी थोड़ी लग रही है। ये तो लगेगी सर्दी में, क्या तो 9 है ना, तो जब सर्दी लग रही है 9 है थोड़ी, बाहर है 9, अंदर थोड़ी ना 9 है। मेरे लिए तो अंदर भी होता। ये हो रही है मेरी इनसे बहस क्योंकि इनको लगती नहीं है सर्दी और मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे तो पाकिस्तान में ही इतनी ज़्यादा लगती है और यहाँ पे तो जब से मैं आई हूँ तो कंटिन्यूसली बारिशें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो बस वो इसी पे जो है वो मेरा मजाक बनाते रहते हैं कि तुम्हें सर्दी बहुत लगती है, तो भाई मुझे लगती है तो मैं क्या, मेरी मजबूरी है बस, मुझे तो गर्मियों में सर्दी लगती है, तो मेरा मसला है ये। अब आपको नहीं लगती तो ये आपका मसला है। 2 घंटे 5 मिनट सोया हूँ। अरे नहीं जी, नहीं जी, मैं मान ही नहीं सकती। 2 घंटे नहीं, आप 8 बजे सो चुके थे, चाय पी के 8 घंटे के अंदर। हाँ 8:45 आप सो गए थे, टाइम मैंने देखा तो आप उठे अभी 11:30। आपने मुझसे टाइम पूछा ना, 11:30 हुआ था। हाँ तो बस आप 8 बजे से सो रहे थे। 8 बजे में सो गया था। हाँ 3.5 घंटे सोए आप। बंद हो चुके हैं ना, क्या टाइम है यहाँ बंद होने का, 12 बजे का। नहीं वीकेंड पे तो मन खुला रहता है, लेकिन खाली जिनको इजाजत हो वो खुला रहता है। आए हुए लोग बाहर बैठे हैं ज्यादातर, पंखा चला के। पंखा चला के व्हाट हैपेंड विद इट, खाने के लिए लेना है क्या पता नहीं। नहीं खाने का मूड तो नहीं है मेरा, तो कॉफी का है बस। आप खाएंगे कुछ? अगर खाएंगे तो खा लेंगे। उसको मैं करती रहती हूँ। हो के आ गया वो अपने घर से, मैं निकली पीछे से आवाज आई मुझे, आई आवाज मुझे पीछे से, पानी नहीं डाला। क्या समझ रहे हैं कि मुझे मेरे कान बंद है क्या? हां मेरे कान बंद है क्या, मेरी ठंडी हो रही है मतलब थोड़ी। हां ये थोड़े कान बंद है, पता मुझे क्या हो रहा है, सब जानती हूं सब। आपकी बन रही है ना ऐसे, यूं बनाएगा सारी। अब इसको अपना दिखाना होता है तो यूं कर देता, फिर वो ऐसे बोलता रहता है। थोड़ी प्रैक्टिस, हमें तो अपना मूड का बुरा लगता है, उसका तो मूड अच्छा आता है। हमारी तो शक्ल ही इतनी बुरी आती है उसमें। नहीं ये बैक मिरर अच्छा है, ऐसा नहीं है जो खराब है, उसका रिजल्ट अच्छा है।
आईफोन वाला तो नहीं है? आईफोन वाला तो नहीं है। ये एक बहुत ही मशहूर व्लॉगर है हमारे पाकिस्तान का, उसकी मैं बात कर रही थी और उसकी तरह वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी। सो हम लोग उसी के डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि उसके पास तो आईफोन है, तो मैंने कहा उसका रिज़ल्ट हो भी नहीं सकता, दायर है मेरा तो वैसा मोबाइल है। सो बस यहाँ पे यही हमारी थोड़ी बहुत चिट चैट चल रही थी और काफ़ी गर्मी जो है अब आ गई है, कॉफ़ी पी के यहाँ की अब हम जा रहे हैं वापस। आई होप आपने मेरा व्लॉग जो है एंजॉय किया होगा और जो बच्चों का मैंने दिखाया वहाँ का वो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो इसी तरह पसंद करते रहिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें कि कैसी लग रही है आपको वीडियो। और बस इतना था, आगे इंशाल्लाह ताला क्या होता है और मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ वो आप लोगों से सब शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, न्यू व्लॉग तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। खोलने में ही तो ध्यान रखना पड़ता, बंद कर दूं।